क्यों इंटरेस्ट होता है? साउथ अफ्रीकन्स क्या करते हैं आपकी टीम में? अफ्रीकन्स जो है वो दोनों ऐसे मायूस बैठे हैं। जीत गए, जीत गए सर। सबसे बड़ा ड्रामा हुआ हारिस आउट के ओवर में, अंपायर कॉल वाला, वो था सबसे बड़ा ड्रामा। मतलब रेसिफ एंडरसन उनका डिसमिसल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आईसीसी ने क्लैरिफाई कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि बट वो शायद अंपायर को आउट नहीं देना था ऑनफील्ड। शमसी वाला शायद ऑनफील्ड अंपायर आउट दे सकता है, उसकी वजह थी शमसी पीछे खेल रहे थे। नहीं नहीं, वो तो दे सकता था, नहीं भी दे सकता था। मतलब ज्यादा आप उसमें अंपायर नहीं दिया, क्यों देता वो उन्होंने नहीं। बट पहली नजर में तो यही लग रहा था कि बाहर निकल जाएगा। जब बाबर ने जैसे ही इन्होंने डाला ना केशव महाराज को बॉल, मोहम्मद नवाज ने बाबर सीधे उनके पास देखा, उनकी रिएक्शन वो उनके मैच उन्होंने नो फिंगर पॉइंटिंग। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि इस ड्रेसिंग रूम में कोई भी, मैंने कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करी है। मैंने बट महाराज आज बॉबी बादशाह पे भारी पड़ गया। लेकिन ये भी हो गया कि शमशी के लिए भी तालियां, शमशी के लिए तालियां, हो गया। और केशव महाराज ने आज साउथ अफ्रीका को बचा लिया। बाय द वे कैसा है माकरम भाई, आप तो जब से बैटिंग करने आए थे तब से आप आउट होना चाहते थे, पर आप उस स्टेज पर आउट हुए जहां पर मतलब मैच आपका ऐसा था कि भाई आप जीत चुके हो। आपने उस टाइम पता नहीं कौन सी एक शॉट खेली, क्या किया आपने, समझ ही नहीं आया। सबसे ज्यादा एक्चुअली रिलीव्ड एडन माकरम ही होंगे। एक्चुअली मतलब उनका ना बहुमा भी, हम चलो बहुमा तो पहले ही, बट माकरम देखो उनका जो पहला 50 रन थे ना जो पहले, उन्होंने तो भरपूर कोशिश करी। राहुल भाई मैं कहूंगा 90 रनों तक नहीं, बाद में एक दास उनका एक फेज आया था, बाद में एक फेज आया उन्होंने ऊपरी पाकिस्तान बाहर। कौन पाकिस्तान बाहर है? पाकिस्तान बाहर है। देखो एक मिनट, पॉइंट्स टैली क्या बता दिया? पाकिस्तान ने 6 में से 2 मैच जीते, ठीक है, 2 मैच जीते और उनके 3 मैच पड़े। एक मैच है उनका इंग्लैंड के साथ, एक है न्यूजीलैंड के साथ, एक बांग्लादेश के साथ। अगर वो तीनों जीत जाए जो कि वो जीते दूसरे पे डिपेंडेंट, तो भी यार वो 5 तक ही तो पहुंचेंगे, पॉइंट ही होंगे। ऑस्ट्रेलिया घर पर, इंग्लैंड भी जिंदा है। आप आज बोल रहे हो कि पाकिस्तान इज अलाइव, इंग्लैंड इज आल्सो अलाइव। के बारे में तो ये है कि इंग्लैंड अगर इंडिया से भी हार जाए, इवन देन टेक्निकली देयर स्टिल अलाइव। उनके लिए है ना कि ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाए, जैसे ये अलाइव, ये अलाइव ऑस्ट्रेलिया से हार जाए। पर आई थिंक इस चीज के लिए भाई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को, दोनों टीम्स के लिए इस चीज के लिए डालेंगे कि अच्छा मैच दिया वर्ल्ड। राहुल भाई यार इतना तो कर दो, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों टीम, पाकिस्तान देखो अच्छा आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान हाई पे जा रहा है। यार आप कौन सी हाई पे, पाकिस्तान कौन सी हाई पे? ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट किया था आपने पाकिस्तान आज जो करेगा, जो हाई पे जा रहा है, मतलब पाकिस्तान 4 मैच हारे राहुल लगातार।